हैं कि हम डोर और विंडो को किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डोर विंडो किस टाइप कितने कितने टाइप्स के इसके अंदर बाय डिफॉल्ट दिए हुए, उसके अलावा भी हम अपने अलग अलग टाइप्स के डोर और विंडो को लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ बाय डिफॉल्ट दिए हुए उसको हम लोग देख लेंगे। लाइक यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डोर, जैसे आप डोर पर क्लिक कर रहे थे कि डोर मिला। अब देखिए बाय डिफॉल्ट इसके अंदर थ्री टाइप्स के डोर पड़े हुए हैं, पिवट, स्लाइडिंग और बाय फोर, ठीक है। तो एक एक की प्रॉपर्टी देखेंगे। जस्ट पहले हमने एक पिवट कर लिया इसको, और यहाँ पे हमने पहले पिवट लिया। पिवट लेके देखिए जैसे क्लिक कर रहे हैं आप इस तरह से, और एक क्लिक करके जैसे आप इसको हाइट दे रहे हैं इस तरह से, पहले आप ऐसे बना लीजिए। फिर बनाने के बाद आप इसकी हाइट दीजिए जितनी आपको हाइट चाहिए। जैसे डोर की जो जनरली हाइट रखते हैं वो 7 फीट रखते हैं, तो आप इस तरह से ऐसे 7 फीट डाल दीजिए, ठीक है। तो जैसे 7 फीट डालेंगे तो ये 7 फीट का हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसके सर बेड तक लोग रखते हैं। अब जैसे डोर लाइक कहाँ पे है, अगर ये ड्राइंग रूम में है, मेन रूम में है, तो वहाँ पर लोग 3.5 फीट उसकी बेड रखते हैं, ठीक है। तो हमने अगर 3.5 फीट रखना है तो हमने यहाँ पर 3.5। अब जो अंदर के रूम्स होते हैं उसमें हम लोग 3 फीट का रखते हैं। तो 3 फीट का जब हम लोग रखना होगा तो फिर वो जैसे कि अंदर कोई ड्राइंग रूम के अलावा जो नॉर्मल रूम है उसमें, अब कोई बाथरूम है तो बाथरूम में हम लोग 2.5 फीट इसका बेड रखेंगे, ठीक। और इसके बाद है इसका डेप्थ। अब डेप्थ इसकी ऐसे आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, ठीक है। डेप्थ अब डिपेंड करता है कि आपकी वॉल 4.5 इंचेस की है या आपकी वॉल क्या बोलते हैं 9 इंचेस की है, ठीक है। 4.5 की है तो इसका फ्रेम कम रखेंगे, अगर 4.9 इंचेस का है तो फ्रेम बढ़ा के रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको डबल डोर मिलेगा। जैसे आप डबल डोर पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से डबल पार्ट में हो जाएगा ये। और यहाँ पे फ्लिक्स स्विंग होता है, फ्लिक्स स्विंग में थोड़ी बताता हूँ आपको क्या होता है। पहले आप देखिए डबल डोर कर दिया और इसको डबल डोर करके जैसे ओपन करके देखिए इस तरह से हमारा डोर ओपन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको किसी वॉल में भी लगा के देखेंगे कि किस तरह से इसको फिर वहाँ पर अटैच करते हैं वॉल से। इस तरह से हमारा डोर ओपन हो रहा है। अब अगर आपने डबल डोर ऑफ कर रखा है एक तरफ से बंद होगा और एक तरफ से बंद, ठीक है। और अगर आपने डबल डोर ऑन रखा है, ठीक है, और ऐसे कर रहे हैं आप, अगर फ्लिप स्विंग पर क्लिक कर देंगे तो देखिए क्या हो रहा है, समझ आया क्या हो रहा है सर, बाहर की ओर खुला है, ठीक है, स्विंग हो गया, ठीक है, बाहर की ओर। तो ये काम इससे हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे आएंगे तो अभी मैंने फ्लिप स्विंग को ऑफ कर रखा है, और यहाँ पे देखिए तो क्रिएट फ्रेम, क्रिएट फ्रेम में हमने देखा तो इसकी विड्थ को हम लोग जितना बढ़ाएंगे फ्रेम की विड्थ, अभी तक हम लोग डोर की सेटिंग कर रहे थे, अब हम लोग फ्रेम की सेटिंग करेंगे। देखिए ध्यान से देखते हैं, क्रिएट फ्रेम, जैसे आपने फ्रेम को बढ़ाने स्टार्ट किया देखिए फ्रेम आपका बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग डेप्थ रखेंगे, जितना आपको डेप्थ रखना उतना डेप्थ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डोर ऑफसेट, डोर से जितनी गैपिंग उसकी रखना चाहिए, देखिए ठीक है, ये देखिए ये सर ये, ठीक है। आप जैसे डोर से उसका गैपिंग रखेंगे तो इस तरह से ओके, ये हाइएस्ट हो गया, ठीक है, इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल भी जा सकते हैं, मतलब अब प्लाईवुड हमारे कितना मोटा है कितना पतला है उस पर डिपेंड करता है ये सब, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्रेम की सेटिंग कैसे करते हैं। अब देखिए आप लिफ्ट पैरामीटर, लिफ्ट पैरामीटर में क्या है, आप जैसे इसका थिकनेस बढ़ाएंगे देख रहे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा प्लाई जो हमारा बाहर होता चला आ रहा है, राइट। जितना आपको थिकनेस रखना है, आप डिजाइन हम जब करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कितना डिस्पर्स थिकनेस रखना है, ठीक है। और थिकनेस रखने के बाद यहाँ पर स्टाइलस टॉप रेल, जो ऊपर की रेल है ये देख रहे हैं ये, ठीक है। तो ये आपको जितना आपको बढ़ाना है उतना आप ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाओ, जितना घटाना है देखिए ना, आपने देखा होगा ऐसे डिजाइन लोग बीच में ग्लास डाल देते हैं, अभी हम लोग इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, बीच वाले में हम लोग ग्लास डाल देंगे और बाहर बार बार घूम रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग टॉप रेल को कर देते हैं। और इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर टॉप रेल बॉटम में लाइक बॉटम का जो ये नीचे का है ये, आप जितना इसको उठाते जाएंगे देखिए इस तरह से उस तरह पर चला जाएगा, जितना आपको डिजाइन परफेक्ट दिखे। जब हमें इस कुल मिला के सर लुक देखना है, 3D Max मीन्स लुक बेस्ट देना है आपको, तो जैसे हमें लुक समझ आएगा वैसे हम लोग इसका बॉटम रेल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पैनल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल में कोई पैनल नहीं है, सिर्फ एक पैनल है, ठीक है। जैसे आपने दो किया देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो देखने में लाइक अच्छा नहीं दिखता है, देखने में फटता चला जाएगा ना, तो हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे इसको, बस एक किया। और यहाँ पे देखिए वर्टिकल पैनल, ऐसे ही इसमें वर्टिकल पैनल आते चले जाएंगे, ठीक है। तो लाइक ये भी मतलब नॉर्मल लगा सबसे अच्छा लगता है, तो आप कोशिश करेंगे इसको ना रखें और इसको भी नहीं रखा। यहाँ पे देखिए इसको जब मोटिन को बढ़ाएंगे इसमें थिकनेस जो होती है बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज नहीं कर रहा क्या कर रहा है। ये देखिए जो अभी हम लोग लाए थे ना एक पार्ट लेके आए थे इसका, मतलब जैसे देखिए हमें फिर से क्लिक किया, ये देखिए थिकनेस है ना इसकी, ठीक है। अब आपको पतले पतले प्लेट्स डालने हैं, ठीक है, तो एकदम जिसके मोटिन एकदम
एकदम माइनस करते चले जाइए इस तरह से, तो जितना आप माइनस करते हैं उतना ज़्यादा ही होगा। ठीक, अभी के लिए मैंने क्या किया, अभी मैंने इसको पैनल को एक कर दिया, समझ आ गया इसमें। ठीक है, तो ये हमारा लीफ पैरामीटर था, मतलब अंदर की सिटीज के लिए। अब इसके बाद है यहाँ पे पैनल्स। ठीक है, अब पैनल में देखिए यहाँ पे ग्लास पैनल दिखा रहा है कि पड़ा हुआ, अगर आपने यहाँ पर नॉन कर दिया तो प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अभी ग्लास के लिए बोल रहे थे कि ग्लास इस तरह से, अब यहाँ पर अगर आपने वेवल कर दिया तो क्या होगा, अब इसके और भी ज़्यादा सेटिंग खुल जाएंगे, वेवल एंगल होगा। ठीक है, इसको दिख रहे हैं यहाँ पर, देखें ये एज की मॉडल आ गया ना इसके अंदर, अभी तक केवल एक सिंपल था, अब देखिए वेवल हो गया, मतलब वेवल में बेंड टाइप का हो गया। ठीक है, अब इसका अलग से आपको लाइक एंगल, जितना आपको एंगल चाहिए, कितने टेढ़े पर चाहिए, कितना ये दिख रहा है ये, ठीक, इसका थिकनेस कितना चाहिए। ठीक है, जितना थिकनेस आप देना हो उतना थिकनेस दे दीजिए, इसका जितना थिकनेस देखो उतना थिकनेस बढ़ाया। ठीक है, इतना थिकनेस के बाद यहाँ पे मिडिल थिक, लाइक बीच में अगर कोई पैरामीटर आपका कितना है तो इसको कर दें कि कॉर्नर पर ज़्यादा रखते हैं, बीच में इस तरह से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग है। अब मिडिल थिक हो गया, इसके बाद विड्थ वन, एक कप विड्थ बढ़ता चला जाएगा, देखिए ऊपर का विड्थ बढ़ रहा है। ठीक है, और इस विड्थ इस तरह से आप इसको ना जब उससे करेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा ये इसमें ये है, इसमें ये है। ठीक है, नॉट मोर टफ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे लिप के पैरामीटर को लोग सेट करते हैं, वेवल को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टाइप का डोर। एक टाइप का डोर समझ आ गया तो दूसरे टाइप का डोर भी समझना आसान है, क्यों, क्योंकि वो भी ऐसे ही है। ठीक है, हमने स्लाइडिंग को क्लिक किया और स्लाइडिंग को क्लिक करके इस तरह से हम लोगों ने स्लाइडिंग लिया, और स्लाइडिंग लेने के बाद इस तरह से आप दे दें स्लाइडिंग, और यहाँ पर देख रहे हैं तो आपकी हाइट है जितना आपको बिल्डिंग, सॉरी जितना आपको डोर की हाइट रखनी है उतना डोर की हाइट। अब स्लाइडिंग डोर के जो मैक्सिमम लोग रखते हैं ना विड्थ ज़्यादा रखते हैं, ये जैसे गुरुद्वारे में, ठीक है, कुछ कुछ टेम्पल्स में ऐसे जगह पर लगते हैं, तो विड्थ ज़्यादा रखने का फायदा क्या होता है, जैसे बहुत पब्लिक है आपके पास, ऑडियंस बहुत है ना, तो आराम से इजली आ जा सकता है, बट इन सब डोर में आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, इसलिए स्लाइडिंग डोर ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पर आप ग्लास डाल सकते हैं, आगे हम लोग मटेरियल पढ़ेंगे, मटेरियल की क्लास में देखेंगे कैसे ग्लास डालते हैं, और लाइक अभी इसका जितना डेप्थ रखना होता है हमने डेप्थ रख दिया इसका अपने हिसाब से। और यहाँ पे फ्लिप क्या फ्रंट बैक है, लाइक आपको पहले इसको ऊपर वाले को स्क्रॉल करना है या नीचे वाले को, जिससे आप ओपन करके देखें तो ये ओपन होना है। ठीक है, और आपने अगर फ्लिप साइड कर दिया तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये अगर ऑफ कर दिया तो ये फ्रंट वाला ही जाएगा और ये वाला ऊपर आएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स है उसकी, ये सब सेम है। क्रिएट फ्रेम, फ्रेम की जितनी विड्थ रखनी है जैसे अभी लास्ट टाइम देखा उतना सेम है, और ये भी आपका लीफ पैरामीटर वही है जो उसमें था। ठीक है, तो बस इसका आपका थिकनेस बढ़ने लगेगा, यहाँ पे आपका टॉप रेल्स बढ़ने लगेंगे, यहाँ पे बॉटम रेल्स, इसमें आप अगर पैनल डालते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, पैनल डाल दिया इसमें, और इसके बाद पैनल डाले हम मोटे जितना उसको थिकनेस रखना है, नॉन कर दिया तो इस तरह से नॉन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वेवल कर दिया तो ये वेवल के अपने अपने सेटिंग जो अभी हमको बता है एंगल आ जाएगा एंड ऑफ। ठीक, तो ये भी हमारा उसी तरह का समझ आ गया डोर। ठीक है, तो ये दो टाइप के डोर है। अभी हम लोग मतलब डोर हम उससे भी सर बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस डोर से काम हो जा रहा है दैट इज़ बेटर। और इसके अलावा हम ब्लॉक्स डाउनलोड कर लेते हैं अपना डोर के, हमें जहाँ मुझे पसंद हम लगा लेते हैं। पहले इसका सेटिंग मत देखिएगा, पहले इसको बना दीजिएगा, उसके बाद बनाने के बाद मॉडिफाई आ जाएगा। अब समटाइम्स जैसे अभी तो यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, आप मान लीजिए ऐसे हो गए बंद हो गया, तो आपको तब क्या करना है, ये ध्यान देना पड़ेगा, तब क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मैं सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये वाला हमारा कौन सा था, ये बाई पोल्ड है ना, ये देखिए बाई पोल्ड सेलेक्ट हो गया। तो आपको अगर मान लीजिए इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से आपका जो अभी तो हो रहा है लाइक अगर नहीं आपसे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कीबोर्ड करिए तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और बाई फोल्ड करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर आप फिर से उसकी सेटिंग देखनी है जो हम लोग सेटिंग कर रहे हैं, तो उसको मॉडिफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे वो सारी सेटिंग फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि अगर चला गया तो आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ मॉडिफाई पे क्लिक करना है। सेम सेटिंग सर इसके लिए, ये देखिए ये बस ये क्या है, बाई फोल्ड है। बाई फोल्ड मतलब कि कई फोल्ड रहते हैं, जैसे अगर आपने इसमें डबल डोर कर दिया ना, और इसका ना हमेशा विड्थ ज़्यादा होता है सर। आपने अगर पुरानी स्टॉप्स वगैरह देखे होंगे जो होती है उसमें इस तरह के बहुत से आपको देख मिलेंगे। ये देखिए देखिए पुरानी स्टॉप्स में इस तरह से, अभी तो मैंने बहुत कम देखा लाइक अभी लेटेस्ट में ज़्यादा देखते नहीं हो क्या, तो इस तरह के आप डोर को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको करके अब फ्लिप स्विंग कर दिया तो ये बाहर से ऐसे इस तरह से पहले होता था, फिर आप रैकेट लगा के बंद कर देते। तो ये लाइक आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले जो है वो ये है, ठीक है, बाई फोल्ड और पीबोर्ड, पीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद बहुत यूज़ करेंगे स्लाइडिंग यूज़ करेंगे, समझ आ गया। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डोर को बनाएंगे। अब डोर के बाद
हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से विंडो को बनाए हैं, ठीक है। तो विंडो को बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे जाना होता है और यहाँ पे जाके विंडोज़ पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। विंडो क्लिक किया, ग्रिड को थोड़ा सही कर दिया, ग्रिड मान लीजिए इधर उधर हो गई सर, तो यहाँ पे जाकर होम पर क्लिक करने का सब विंडो का आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे विंडो क्लिक किया तो देखिए विंडो यहाँ पर ज़्यादा है, 6 टाइप्स की विंडोज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। एविंग, कैसमेंट, फिक्स्ड, पिवोट, प्रोजेक्टेड, स्लैट। अब देखेंगे एक एक की प्रॉपर्टी। जैसे पहला हमने देखा एविंग, ऐसे में भी यही है, पहला आपने अगर पूरा देख लिया तो आगे का भी सेम हो सही है, थोड़े से चेंजिंग है। इसे हमने इतना बढ़ा दिया, ठीक है। अब जनरली जो डोर की हाइट रखते हैं वो 4 फीट रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया इनकी, ओके, तो हमने क्या इसका हाइट रख लिया हमने 4 फीट इस तरह से, और इसका विड्थ हमें अब 5 फीट, 4 फीट या 3 फीट ऐसे रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट विड्थ साइज देख के इसके मान लीजिए हमने रखा 4 फीट, और फिर इसके बाद डेप्थ इसका जितना रखना हुआ हम लोग डेप्थ रख दिए। अब इसमें सेम जैसे फ्रेम हम लोग बढ़ाते थे, फ्रेम की थिकनेस जितना बढ़ाते जाएंगे आप उस तरह से ये पता चला जाए, इतना तो बढ़ाते नहीं है, बस इतना बोलते हैं। और इसके बाद लाइक हमारा वर्टिकल आप देख रहे हो, वर्टिकल में आपको जितना फ्रेम चाहिए उतना वर्टिकल फ्रेम दे देंगे। थिकनेस यहाँ पे जितना आपको थिकनेस प्रोवाइड करना है उसको उतना थिकनेस आप प्रोवाइड कर देंगे। ग्लेजिंग, ग्लेजिंग होता है सर जो ये बीच में एक प्लेन पड़ा हुआ है ना, ये एक ग्लास पड़ा हुआ है कुछ भी प्लेन आपने उसकी थिकनेस के लिए रखेंगे, ठीक है। तो ये हम ग्लेजिंग जैसे पढ़ाते चलेंगे, देखिए पढ़ता चला जा रहा है थिकनेस, तो ये इस तरह से पढ़ता चला जाएगा, मतलब ये इतना मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम इतना जाएगा कि कॉर्नर तक आएगा, ठीक। टॉप रेल्स एंड पैनल, अब ये भी टॉप ये है तो हमने क्या किया, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए क्या होगा। अब आपने बढ़ाना चाहे जैसे कि अभी केवल एक पैनल है, आपने 2 किया तीन के 2 आ गए, 3 किया 3 आ गए, 4 किया 4 आ गए, 5 किया 5 आ गए, इस तरह से, ठीक है। और लाइक अभी इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन हो गए, हम लोग अगर पैनल को कम कर दें तो अच्छा दिखेगा, देखिए पैनल को कम किया और इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो जितने आप पैनल बढ़ा लो उस हिसाब से, और नेक्स्ट वन इज कैसमेंट। कैसमेंट देखिए, कैसमेंट विंडो विंडो का भी एक एवीएट टाइप है, इस पर क्लिक किया और इस तरह से एक होता है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपने हाइट तो वैसे ही सेट करना है, विड्थ तो वैसे ही सेट करना है, हमें जितना विड्थ चाहिए डेप्थ भी उतना ही चाहिए, फ्रेम की भी सेटिंग सेम है, सिर्फ यहाँ पर आपको यहाँ पे ये देखिए 1 और 2 यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो 2 पार्ट में ये मिल जाता है। जैसे हम देखो 1 था ना, लेकिन 1 पे आप देख रहे थे, अब 2 पे कर दिया और इसकी थिकनेस को हमने कम कर दिया, और फिर ओपन करेंगे तो क्या होगा कि 2 तरीके से नॉर्मल घरों में हम लोग ये विंडो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के विंडो को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वाली जो थी ये हम लोग वॉशरूम में लगाते हैं, पैनल ढेर सारे डाल के वॉशरूम के लिए यूज़ कर लिया, और इसको हम लोग सब ज़्यादा घरों में यूज़ करते हैं नॉर्मल विंडो। जितना रखो आप लिफ्टिंग करेंगे तो आपको पता चल गया अभी बाहर क्लिप हो, ठीक है। और इसमें भी अगर आपको पैनल डालने थे हमने के पैनल का भी होगा कहीं पर, अच्छा इसमें इसमें पैनल का टाइप नहीं दिया कि लाइक नहीं है क्या, एक मिनट, नो इसे बस ये है कि आपको इसको कितना दिखने का सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारे साथ दूसरे हो गए, और अभी ऐसे हम लोग फिक्स अपना बनाएंगे। फिक्स में क्या होता है, ये फिक्स हो जाती है किसी भी बिल्डिंग में जाके, हम लोग इसको भी बिल्डिंग भी यूज करते हैं, सर यही में यूज होने वाली चीज़, और इसको भी आप लाइक इस तरह से अपना हाइट विड्थ और डेप्थ सेट कर सकते हैं, और फ्रेम भी लगा सकते हैं आपको जो फ्रेम को थिकनेस देना हो, फ्रेम थिकनेस दे दिया, वर्टिकल दे दिया फ्रेम को, वर्टिकल विड्थ जितना आपको देना हो दे दिया, थिकनेस जितना देना हो हमने थिकनेस प्रोवाइड कर दिया इसको। रेल्स एंड पैनल्स, यहाँ पर आपको जितना रेल्स एंड पैनल्स है, लेकिन रेल जो है यहाँ पर अगर आप बढ़ाना चाहें तो 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से पैनल जितना आपको लगाना होना, तो ये बहुत ज़्यादा पैनल तो अच्छे नहीं होते, इसको ऐसे रखा और इसको इस तरह से हम लोग उसको करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये फिक्स है सर, फिक्स होने का मतलब है कि खुलेगा नहीं सर। देखा कुछ ग्लासेस होते हैं ना, लेकिन दीवार में ग्लास फिक्स करते हैं, फिक्स होता है, तो ये सारे क्या होते थे, ओपन होते थे, लेकिन ये ओपन नहीं होगा, इसलिए फिक्स इसको, ठीक। और फिर इसके बाद हमारे दूसरे टाइप है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, विड्थ डेप्थ हाइट, यहाँ पे अगर आपने डेप्थ कर दिया तो सॉरी विड्थ कर दिया, हाइट कर दिया और डेप्थ कर दिया, तो जब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले वो विड्थ को सेट करता चलेगा, फिर उसके बाद यहाँ देखिए विड्थ को सेट किया, आप देखिए क्या जा रहा है, दूसरा स्टेप क्या जा रहा है इसका, ये और फिर हाइट। तो मतलब कि आप अगर इसको सेटिंग पर रखेंगे तो पहले विड्थ को बढ़ाएगा, फिर हाइट को और फिर डेप्थ को, और अगर आपने इसको बढ़ाया इसको रखा है तो पहले विड्थ को बढ़ाएगा कितना कितना चाहिए, फिर डेप्थ को, डेप्थ कितना रखना है, फिर हाइट, ठीक है। तो हम लोग जनरली इसको
पीवोट है सर, पीवोट जैसे वहाँ पे अभी डोर पे था वैसे यहाँ पे पीवोट है, इस तरह से आप पीवोट लेके इस तरह से हम लोग सेट करते हैं। और लाइक इसका भी वैसे ऑल हाइट वेट और डेप्थ सेट करेंगे। और इसमें बस एक चीज़ अलग लगता है वो दिखाता हूँ, फ्रेम वही है, फ्रेम का सारा थिकनेस वही, ग्लेजिंग वही जो बीच की थिकनेस है, ठीक है। और ये रेल्स है जितना पूरे काम होती है अपना रख दिया। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप स्कोपिन कर रहे थे इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर आपने वर्टिकल रोटेशन कर दिया तो ये इस तरह से रोटेशन होता है, ठीक है। देखा होगा आपने जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें ना लाइक कुछ ग्लासेस को इस तरह से खोल कर रखते हैं कि लाइक एयर भी अच्छे से आ जाए, तो उस इन्वायरमेंट की सही करने के लिए इन्वायरमेंट पर्पज से इस तरह के डोर का सॉरी विंडो का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड भी इसी तरह से होता है, लेकिन इस तरह से हमारा प्रोजेक्टेड होता है। और ये इसको जैसे आप यहाँ पे वॉल डेप्थ विड्थ जैसे सबका सेम सेम किया, ग्लेजिंग रेल्स एंड पैनल जितना आप रेल्स एंड पैनल बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा ही बढ़ता चला जाएगा। ये जब ओपन होता है सब ये इस तरह से होता है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो होता है उसको फिक्स करके रखता है और नीचे के दो रहते हैं उनको अलग अलग करके रखता है, ठीक है। तो इसका बस इतना सा ओपन है कि आप इस सेटिंग जैसे सर्व करना चाहे करते हैं। और ये मिडिल को कितना नीचे रखना है, कितना ऊपर रखना है, कितना आप कौन सा रखें वैसा कर दीजिए जिस तरह से। और लाइक इसके थिकनेस जितना पॉइंट करना हो थिकनेस पॉइंट समझ आया सर, तुम सेम है। एंड नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग, स्लाइडिंग इज जस्ट कि आप ऐसे बनाए और ये बना के जैसे हमारा स्लाइडिंग डोर था वैसे स्लाइडिंग विंडो है। लेकिन इस विंडो का क्या है कि बस आप जैसे इसको ओपन करते हो सारा कुछ वही है, जब आप ओपन करते हो तो ये देखिए इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसके जितने आपको पैनल डालने हैं, ठीक है, अगर पैनल आपने इस तरह से डाला तो भी इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसमें वर्टिकल पैनल से जितना आप वर्टिकल पैनल डालना चाहिए वर्टिकल पैनल डाल दीजिए, पैनल डाल के इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ने देखा कि किस तरह से सारे डोर और किस तरह से विंडो हम लोग बनाते हैं। अब इन डोर और विंडो को हम लोग डोर पे कैसे प्रिफर कराएंगे, डोर पे कैसे लगाएंगे, सॉरी वॉल पे कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग को देखना है, ठीक है। जो सबसे मेन काम हमारा वो है, इसको हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल करके सब कंट्रोल सेलेक्ट नहीं हो रहा है, सॉरी एक वॉल बनाने जा रहे हैं सर। उस वॉल पर हम देखेंगे किस तरह से इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। अब वॉल बनाने से पहले हमको कुछ ये समझनी पड़ेगी, क्या समझनी पड़ेगी, हमारा इसने वॉल बनाना चाहिए नहीं तो वही वॉल क्या होगी, टेढ़ी बनेगी, ठीक है। जैसे हम लोग ऑटोकैड में लोग ऑर्थो को यूज़ करते थे ना, लाइक ऑर्थो यूज़ करते स्ट्रेट लाइन होती थी, वैसे हमारे पास यहाँ पे स्नैप टूल्स है, ठीक है। इसको राइट क्लिक करिए तो देखिए मैंने बाय डिफॉल्ट जो जो इंपॉर्टेंट है सबको ऑन कर रखा है। ग्रिड पॉइंट, हमें ग्रिड का पॉइंट पता चलना चाहिए, परपेंडिकुलर कहाँ से जा रहा है, वर्टेक्स कहाँ से, एज कहाँ से, हम लोगों ने ऑटोकैड पढ़ा इसलिए इजी हो गया हमें समझ लेना। टेंजेंट, इन पॉइंट और मिड पॉइंट, इतने के हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इतनों को क्लिक करके अभी ऑन नहीं हुआ सर, इससे प्रैक्टिकल ओपन होता है, ऑन करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये जो सेटिंग्स है ना सर, ये सेटिंग्स यहाँ पर भी है सबके, लाइक यहाँ पे व्यू पे आप देखेंगे कुछ सेटिंग है, कुछ सेटिंग टूल पे है, ठीक है। तो मतलब कि आपको लाइक यहाँ से कोई इजीली मिल जाता है क्योंकि एक क्लिक किया और हो गया, अगर नहीं मिला तो आप यहाँ से सारे टूल्स को देख सकते हैं, व्यूज पे जाके, क्रिएट में जाके, एफटी टूल्स सब है, देखिए अभी जो बॉक्स को सब बनाया ना हम लोगों ने सारी सेटिंग भी है। वेल हम लोग वॉल बनाने जा रहे हैं, तो वॉल बनाने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे जस्ट आपको आना है और यहाँ पर आके आपको क्लिक करना है AEC एक्सटेंडेड, कहाँ पे AEC एक्सटेंडेड, ठीक। AEC एक्सटेंडेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वॉल आ जाएगा, और यहाँ पर यहाँ से जस्ट आपको वॉल पे क्लिक करना है, वॉल पे क्लिक करके आपको बताना है अपना विड्थ और हाइट, ठीक है। अब जैसे वॉल का हम जनरली लोग कितना रखते हैं, हम लोग 9 inches रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 9 inches रख दिया यहाँ से, ठीक है। और जो इसकी हाइट रखते हैं हम लोग जनरली 10 feet रखते हैं, तो हमने 10 feet रख दिया। जस्टिफिकेशन आपको क्लियर होगा कि जिस तरफ से हमको चलना है, राइट से चलना है, लेफ्ट से चलना है, सेंटर से चलना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है ऑटोकैड का, अगर कोई प्लान रहता तो हम उसको क्या करते, लेफ्ट पीस चलते कि उसे कॉर्नर कॉर्नर से चलना पड़ता। अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है तो हम सेंटर रख सकते हैं, और जस्ट आपको अभी क्लिक कुछ नहीं करना है, आप क्लिक करना, क्लिक करके देखें यहाँ पर हमारे वॉल तुरंत बनती थी, तो हम इसको पास कर लिया, और यहाँ से जस्ट आपको क्लिक करना है, क्लिक करके इस तरह से ये देखिए लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। और यहीं पर मैं 2 मिनट भी अगर इसको ऑफ कर दूँ, अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया इसे, ठीक है, देखिए हम जब बना रहे हैं
ट्रेडिंग में भी होता है, ठीक है, और इस तरह से हमारी लाइन ट्रेडिंग भी रहेगी। कोशिश करिए कि आप स्नैप ऑन रखिए ओनली केस ऑफ जब हम लोग वॉल को बनाएंगे, कुछ सी वॉल को बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे बेस को कर दिया ऐसे, जैसे ग्रिड टू ग्रिड चल रहा है इजिली, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ऐसे कुछ हो गया। अब ये वॉल यहाँ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए, ये तो बताया जाएगा, ठीक है। अब हमने वॉल बना लिया, अब इस वॉल को यहाँ पर देखने में देखिए कितना गंदा लग रहा था, लेकिन इस तरह से वॉल दिख रहा ना, लेकिन ये जब इसका रेंडर करते हैं ना, तो इसमें से एक खासियत है कि जब रेंडर करते हैं तो दिखने में एकदम अलग ही दिख जाता है। और अभी बिना मटेरियल के है, जब मटेरियल लग जाएगा तो एकदम अलग दिखेगा। अब इसके बाद हम लोग इस पर सेट करेंगे अपने डोर और विंडो को। कोशिश करिए कि डोर विंडो के टाइम पर आप स्नैप को ऑफ रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बार बार आपको घुमाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, तो ये घुटने नहीं देता ना, जैसे ऑर्थो ऑन प्रॉब्लम होती है सेम वैसे यहाँ पे होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, लाइक आपको अभी डोर विंडो लगाना है तो यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके हमने डोर पे क्लिक किया, और डोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने पी बोर्ड लिया, ठीक है, पी बोर्ड डोर लिया, कोई भी एक डोर ले लीजिए, डोर लिया, इस तरह से हमारी लगे डोर को सेट कर दिया, ठीक है। अब इस डोर को हमें लगाना है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ले जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब सारे व्यूज़ का सहारा लीजिए, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, अब ये टेढ़ा हमको दिख रहा है, तो सबसे पहले सर हमको रोटेट कर लेना चाहिए इसको। तो रोटेट करने के लिए आप देखिए स्केल है, रोटेट है, ठीक है, अब इसको लिया, उसको लेके इस तरह से, ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं अपने पास, हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन किया, और इस तरह से अगर ये थोड़ा बहुत इधर उधर रोटेट हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वॉल के अंदर जाके एंट्री करने वाला है, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब जो मेरा फ्रेम है ना थोड़ा सा ज़्यादा है, फ्रेम देखिए बहुत बाहर निकल रहा है ना, तो कोशिश करिए कि इसके फ्रेम को कम कर देना है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें वॉल दिखेगी। इसमें वॉल हमें नहीं दिख रही है, पीछे का वॉल नहीं दिख रहा ना, हमें पीछे का एंट्री नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब कि ये इससे लिंक नहीं है, अभी जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो जुड़ने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभी थोड़ा लाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। सेलेक्ट करने लिंक पर क्लिक करना, और ये क्लिक करने के बाद इसके कॉर्नर पर क्लिक करिए, ठीक है, अपने अपने इस डोर के कॉर्नर पर, ठीक है, डोर के कॉर्नर पर क्लिक करके आप वॉल के कॉर्नर पर क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करेंगे और जैसे आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तुरंत देखिए यहाँ पर क्या होगा, लिंक खुल जाएगा। ये थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको ध्यान से देखिए करना क्या है, यहाँ पे ये क्लिक किया और यहाँ पे जस्ट इसके कॉर्नर पे क्लिक करना है, और इसके फिर इसके बाद वॉल के कॉर्नर पे क्लिक करना है, ठीक। ये तो हो गया हमारा डोर, कहीं भी हम डोर प्लेस कर सकते हैं। अब अगर हमें विंडो प्लेस करना हो, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग जाएगा, क्या अलग, बस ये देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर विंडो को क्लिक किया इस तरह से, और यहाँ से एविंग विंडो लिया, एविंग विंडो लेके इसको पहले हम लोग को पास ले जाना चाहिए सर, कहीं भी हो अगर यहाँ पे लगाना है तो पहले इसको पास ले जाइए, तो आप अपने मूव करके पास करेंगे, फिर इसके बाद रोटेट करेंगे, इस तरह से आप सर इसको सिल हाइट चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीचे से इसको हाइट चाहिए ना, तो उसको सिल हाइट बोलते हैं सर। तो सिल हाइट के लिए क्या करना है, क्या यहाँ पर सर डायरेक्ट आपको जेड एक्सिस में 3 फीट डाल देना है, क्योंकि सिल हाइट हमारी 3 फीट होती है, तो हमने क्या किया 3 फीट एंटर, ठीक है, तो एकदम इजी पहुंच गया। अब कुछ नहीं करना, आपको लिंक करना है इसको, लिंक करने के लिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट एंड लिंक पे गए, और यहाँ पे जाके जस्ट आपको इसके कॉर्नर पर क्लिक करके इसके कॉर्नर पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे लिंक हो गया, लिंक कब पता चलेगा, जब आप इसको ओपन करोगे और ये ओपन रहेगा, देखिए वो पीछे का वॉल दिख रहा ना हमें, ठीक है, तो इस हमारे इसका मतलब एकदम सही से लग चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग डोर और विंडो को बनाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे कि कोई एक प्लान इंपोर्ट करके उस पर वॉल बना के उस पर डोर एंड विंडो लगाएंगे, कैसे लगते हैं।